हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैंने कोशिश की है कि हर लाइन में, हर सेंटेंस में एक दो चीज़ें मिलें जो आपको अच्छी हों, सीखने की हों। तो जो आइल्स की तैयारी कर रहे हैं, जो एडवांस स्ट्रक्चर्स को ढूंढ रहे हैं, फ्रेजल वर्ब्स को ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियोज़ बहुत ही यूज़फुल होने वाली हैं। और मैं आगे से कोशिश करूँगा कि ऐसी वीडियोज़ लेकर आऊँ। और मुझे इन वीडियोज़ को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। आई वुड आज की हमारा जो मैक्सिमम था मेरा 300-350 के करीब था लाइक्स जो मेरी आई थी वीडियो पे। तो मैं कोशिश करूँगा, एम कर रहा हूँ मैं कि अब इस वीडियो पर उससे ज़्यादा हो। तो आप लोग भी प्लीज़ इस चीज़ को देखिए कि अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एम कर रहा हूँ कि इस वीडियो पर 300+ लाइक्स तो आए ही जाएँ। ठीक है, तो पहले हम शुरू करने से पहले उन लोगों का नाम बता देता हूँ मैं जिन्होंने लास्ट वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में वीडियोज़ में यूज़ हुए स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाए। और मैंने भी इस वीडियो में ग्रीन जो किए हैं उनको आपको यूज़ करना है। तो पहले नाम है अंतरिक्षा चौहान, दीक्षा बंसल, कविता वैष्णव, अफजल अंसारी, रेनू राणा, प्रदीप चौहान। बस, ठीक है। तो इन लोगों के ने लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस बनाए हैं। और अगर आप लोग भी चाहते हो मैं आपका नाम लूँ तो कमेंट सेक्शन में आप भी सेंटेंसेस बनाइए जो ग्रीन मैंने कर रखा है उनको यूज़ करके। देखिए, पहला सेंटेंस है, पापा ने प्रॉपर्टी देने से जो मना किया है उससे मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मतलब उस चीज़ ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। यहाँ पर एक टर्म है, गेट अंडर समवन्स स्किन। तो गेट अंडर समवन्स स्किन का मतलब होता है किसी को इरिटेट कर देना, किसी को परेशान कर देना, फ्रस्ट्रेट कर देना। ठीक है, तो जैसे एक टर्म होती है गेटिंग ऑन समवन्स नर्व्स। ठीक है, ही इज़ गेटिंग ऑन माई नर्व्स, शी इज़ गेटिंग ऑन माई नर्व्स, सो इज़ ऑन माई नर्व्स की तरह ही यहाँ पर एक और हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर हम बोलते हैं टू गेट अंडर समवन्स स्किन। ठीक, यार किसी के अंदर घुसकर ना परेशान कर देना, बिल्कुल इरिटेट कर देना, इसका भी हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर इस सेंटेंस को देखिए, पापा ने प्रॉपर्टी देने से जो मना किया है कि उनका जो रिफ्यूजल है। हालांकि ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकते हैं, ठीक, लेकिन मैंने यहाँ पर बनाया देयर्स रिफ्यूजल टू पास डाउन द प्रॉपर्टी। अब एक और टर्म यहाँ पर सीखने, पास डाउन। पास डाउन का मतलब होता है कि किस, अब यहाँ पर देखो एक टर्म और है जो मैंने ग्रीन नहीं किया, पास डाउन। अब देखो पास के साथ जो डाउन लगा हुआ है, इसी से हमें समझ में आ रही है कि कोई चीज़ किसी को सौंप देना। तो जो एक सेंस होता है सौंपना, देना, इसके लिए हम पास डाउन का यूज़ करते हैं। सो डैड्स रिफ्यूजल, डैड ने जो मना किया, जो उन्होंने रिफ्यूजल दिया टू पास डाउन द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को देने के बारे में। ठीक है, देने के लिए। अब यहाँ पर के लिए, देने में, वो ना लेने और के लिए वाला जो सेंस है उसकी वजह से यहाँ पर हमने जो लगाया हुआ है टू का यूज़ किया हुआ है, टू पास डाउन द प्रॉपर्टी। ठीक, टू की जगह फॉर का यूज़ करते तो आईएनजी का यूज़ करना पड़ता, वो सारी टर्म्स में चला जाता। सो डैड्स रिफ्यूजल टू पास डाउन द प्रॉपर्टी रियली गॉट अंडर माई स्किन। सो गेट अंडर माई स्किन की ही यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी हुई है, गॉट अंडर माई स्किन, कि उस चीज़ ने मुझे परेशान कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, हम यूं ही बैठकर ऐसा नहीं होने दे सकते। हम यूं ही बैठकर, अब देखो बस हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना, इसको जो हम मतलब बिल्कुल ही हाथ पैरी नहीं करना है, कोई हिम्मत ही नहीं करनी। मैंने तो भाई एक तो होता है गिव अप कर देना, इसी पर है एक सिट बैक में रिलैक्स, रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं है, कुछ मत करो। तो सिट के साथ वहाँ बैक का यूज़ होता है। सो वी कांट जस्ट सिट बैक, हम सिर्फ ऐसे ही नहीं बैठ सकते। वी कांट जस्ट सिट बैक एंड लेट दिस हैपन, और ये होने देना, लेट दिस हैपन। तो पूरा सेंटेंस बना, हम यूं ही बैठकर ऐसा नहीं होने दे सकते। अब मैंने कई बार बताया हुआ है, जो लोग मेरे साथ बैच में भी जुड़े हुए हैं बच्चे, उनको भी मैंने बताई हुई है कि कोई चीज़ करके का जब सेंस आ जाएगी, ये करके, वो करके, तो जब करके का कोई सेंस आए तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म बाय का यूज़ करते हैं। और सबसे ईजी तरीका होता है आप वहाँ पर एंड का यूज़ कर दो। तो यहाँ पर हमने एंड का यूज़ कर दिया। सो वी कांट जस्ट सिट बैक, हम सिर्फ रिलैक्स होकर बैठ नहीं सकते, और इसको होने दो। तो वी कांट डू दिस ना, सो वी कांट जस्ट सिट बैक एंड लेट दिस हैपन, हम यूं ही बैठकर ऐसा नहीं होने दे सकते। उन्हें मनाने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर टर्म देखो, एक तो है कम अप। तो कम अप का मतलब होता है कुछ आना, कुछ एक आइडिया आ जाना, कोई चीज़, कोई काम आ जाना। तो एकदम कम अप का जो मतलब होता है ना, वो होता है आना। तो यहाँ पर वी नीड टू कम अप, हमें कोई चीज़ लानी पड़ेगी, आना होगा। मतलब हमें वी नीड टू कम अप विद अ स्ट्रैटेजी, कि हमें एक प्लान के साथ आना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हमें एक प्लान खोजना पड़ेगा, हमें प्लान के साथ आना पड़ेगा। तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। वी नीड टू कम अप विद अ प्लान टू विन हिम ओवर। विन समवन ओवर, विन और ओवर का मतलब होता है विन ओवर का किसी का दिल जीतना, किसी को मनाना, ठीक। तो दिल जीतने वाली जो टर्म होती है ये इसके लिए हम यूज़ करते हैं विन ओवर। तो पूरा यहाँ पर जो सेंटेंस बना, वी नीड टू कम अप विद अ स्ट्रैटेजी टू विन हिम ओवर, कि हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, कोई स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी उनको मनाने के लिए। सो वी नीड टू कम अप विद अ स्ट्रैटेजी टू विन हिम ओवर। चलो कुछ विचारों में दिमाग लगाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर है कि यार एक काम करते हैं, दिमाग में ना घोड़े दौड़ाना जो होता है, कि भाई दिमाग के घोड़े दौड़ा दिए, बहुत सोचना समझना, इसको मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो ब्रेनस्टॉर्म जो टर्म होता है इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, उस चीज़ के बारे में सोचते रहना, ठीक। तो दिमाग में जब वो चीज़ चलती रहती है, घूमती रहती है, दिमाग में कोई चीज़ जब घूमती रहती है तो उस टर्म को हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्म। तो इसने बोला लेट्स ब्रेनस्टॉर्म सम आइडियाज़, तो यार कुछ आइडियाज़ सोचते हैं। तो एक तो नॉर्मल टर्म होगी थिंक, इसी टर्म को थोड़ा सा और अच्छे में बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेनस्टॉर्म। सो चलो कुछ विचारों में दिमाग लगाते हैं, लेट्स ब्रेनस्टॉर्म सम आइडियाज़, कि ठीक है चलो एक काम करते हैं, कुछ आइडियाज़ सोचते हैं। अब इसने कहा हम उसके साथ मजबूत, ये उसके नहीं उन्हीं के है, ये हम उनके साथ मजबूत संबंध का फ़ायदा उठा सकते हैं, मतलब हमारे जो उनके साथ रिलेशंस हैं हम उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पर फ़ायदा उठाने वाली टर्म का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लेवरेज, ठीक है। कि जैसे मैं बोलूँ ना कि हम कई बार ऑफिस में सुना होगा, कई बार बोलते हुए बॉस को देखा होगा कि तुम्हें तो बहुत सारा लेवरेज मिल गया इस चीज़ का, तो मतलब इस चीज़ का फ़ायदा उठा दो, या इस चीज़ का लेवरेज मत उठाना। लेवरेज का मतलब होता है फ़ायदा उठाना किसी चीज़ का, ठीक, कि मतलब कोई चीज़ है अगर तुम्हारे पास तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो, तो वहाँ पर हम लेवरेज टर्म का यूज़ करते हैं। तो इसने यहाँ पर जो सेंटेंस बनाया हम उनके साथ मजबूत संबंध का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो ये सेंटेंस कैन का ही बना, सकता है, सकती है, सकते हैं। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ड एक्शन, हम यही लगाएंगे। सो वी कैन लेवरेज, हम फ़ायदा उठा सकते हैं, वी कैन लेवरेज आवर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद हिम, ठीक। तो यहाँ पर जो लेवरेज है इसका मतलब फ़ायदा उठाना, वी कैन लेवरेज, हम फ़ायदा उठा सकते हैं किस चीज़ का, आवर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद हिम, हमारे जो उनके साथ मजबूत संबंध है हम उस चीज़ का एक फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कह रहा है मैं सपोर्ट के लिए उनके करीबी दोस्तों से बात करने के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सपोर्ट के लिए उनके करीबी दोस्तों से बात करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर बात करने के लिए हम एक टर्म का यूज़ करते हैं रीच आउट। रीच आउट का मतलब होता है, देखो चाहे आप कॉल करके जाओ, चाहे आप खुद किसी के घर पे पहुंच जाओ, उसके सामने जाके खड़े हो जाओ, मेल लिखो, किसी के थ्रू बात करो, कुछ भी करो, आपका मैसेज जो है वो अगले तक अगर पहुंच रहा है सो यू आर रीचिंग समवन आउट। तो रीच आउट का मतलब होता है अपना मैसेज कहीं तक पहुँचाना, किसी से कुछ कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो आजकल कॉल के लिए, मैसेज के लिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आ सकते हो, बुलवा सकते हो, तो इन सारी चीज़ों को मैं एक कंबाइन करके मैं आपको बोल सकता हूँ यार यू कैन रीच आउट टू मी, यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम। अगर मैं आपको अपना फ़ोन नंबर भी दूँ या मेल आईडी दूँ या कुछ भी दूँ तो आपको मैं बोलूँगा यार यू कैन रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर, या फिर यू कैन रीच आउट टू मी ऑन दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी, ठीक है। तो वहाँ पर मैं रीच आउट का यूज़ करूँगा कि आप मुझे मेल कर दो, मुझे कॉल कर दो, बहुत ही कॉमन सी टर्म होगी, बेसिक सी टर्म हो गई। तो यहाँ पर मैं इसका रीच आउट का यूज़ करता हूँ, ठीक। तो इसने पूरा सेंटेंस यहाँ क्या बोला, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, ऑफ रीचिंग आउट टू हिज क्लोज फ्रेंड्स, कि मैं उनके जो करीबी दोस्त हैं उनसे बात करने के बारे में सोच रहा हूँ फॉर सपोर्ट, सपोर्ट के लिए, कुछ साथ मिल जाएगा, कुछ सपोर्ट मिल जाएगा उस चीज़ के लिए। तो पूरा यहाँ पर सेंटेंस क्या बना, मैं सपोर्ट के लिए उनके करीबी दोस्तों से बात करने के बारे में सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग ऑफ रीचिंग आउट टू हिज क्लोज फ्रेंड्स फॉर सपोर्ट। अब इसने बोला कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अब देखो एक तो होता है गिव अप कर देना, गिव अप का मतलब हार मान लेना, एक होता है गिव इन, गिव इन का मतलब होता है कोई कुछ छोड़ देना कि चल छोड़ यार ये नहीं होगा, ठीक। तो वहाँ पर होता है कि किसी चीज़ पे ज़्यादा एफर्ट ना लगाना, तो हम गिव इन का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो डेस्पेयर जो टर्म है, डेस्पेयर एक इसी चीज़ में कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होती है कि गिव इन टू डेस्पेयर। अब ये पूरा एक टर्म बना, ठीक। तो जो टर्म है पूरी डेस्पेयर, इसका मतलब होता है उम्मीद छोड़ देना, किसी भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखना, एक उम्मीद को बिल्कुल छोड़ देना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं डेस्पेयर वर्ड। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, सो वी मस्ट नॉट डेस्पेयर, अगर मैं ये भी बोलता तो ये भी मीनिंग को यही लेकर जाता, लेकिन यहाँ सेंटेंस बोला वी मस्ट नॉट गिव इन टू डेस्पेयर, कि भाई हमें उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उम्मीद पर हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है, इसने वो सेंटेंस बनाया। तो गिव इन का मतलब होता है कोई लड़ाई हो रही है, कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है, तो उस चीज़ को मैं बीच में ड्रॉप कर दूँ कि चल छोड़ यार तू सही है, हाँ ठीक है, तो गिव इन, ठीक है, कि भाई यहाँ पर गिव अप हो गया, किसी एक प्रॉपर बड़ी चीज़ में हार मान लेना। गिव इन का मतलब होता है किसी आर्ग्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर चीज़ को थोड़ा छोड़ देना। तो यहाँ पर जो पूरा बना वी मस्ट नॉट गिव इन टू डिस्पायर, कि हमें भाई उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमें उम्मीद पर हार नहीं माननी है, इस तरह से सेंटेंस बना। अब यहाँ पर सेंटेंस बना चलो हम साथ मिलकर इसे सुलझाते हैं। अब इसमें दो टर्म हैं, दोनों टर्म बहुत ही यूज़फुल हैं और ये काफ़ी यूज़ होती हैं, और आप लोग इसको अपने सेंटेंस में स्ट्रक्चर में यूज़ करोगे तो आप खुद भी देखोगे आपकी फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी निकल कर आएगी। पहला है चलो हम साथ मिलकर इसे सुलझाते हैं, साथ मिल जाना, ठीक है, लेट्स पुट आवर हेड्स टुगेदर। तो पुट हेड टुगेदर, पुट हेड्स टुगेदर, इसका जो मतलब होता है वो ये होता है अपना दिमाग लगाना साथ में। तो जो हेड का यहाँ पर मतलब है बेसिकली वो दिमाग से रिलेटेड है, यार एक काम करते हैं अपना अपना दिमाग इसमें लगाते हैं, मतलब साथ मिल के कोई काम करना, साथ मिलकर कोई काम करते हैं। सो लेट्स पुट आवर हेड्स टुगेदर एंड फिगर दिस आउट। फिगर आउट का मतलब होता है किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालना, ये चीज़ तो हमें बहुत पता है, कॉमन है। फिगर आउट का मतलब है किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालना। तो इसने कहा चलो हम साथ मिलकर इसे सुलझाते हैं, लेट्स पुट आवर हेड्स टुगेदर एंड फिगर दिस आउट, ठीक है, कि यार आई एम ट्राइंग टू फिगर दिस आउट, कि ये मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की, पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हुआ कैसे। इसी तरीके से यहाँ सेंटेंस बना चलो हम साथ मिलकर इसे सुलझाते हैं, लेट्स पुट आवर हेड्स टुगेदर एंड फिगर दिस आउट। मुझे यकीन है कि हम इस स्थिति को बदल सकते हैं। सो आई बिलीव, मुझे यकीन है, आई बिलीव वी कैन टर्न दिस सिचुएशन अराउंड। टर्न अराउंड, टर्न अराउंड का मतलब होता है किसी चीज़ को पलट देना, किसी चीज़ को एकदम उलट देना। तो जो उलट देना, पलट देना, ये सेंस होता है, यहाँ पर हम टर्न अराउंड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसने सेंटेंस क्या बोला मुझे यकीन है। अब मुझे यकीन है मतलब मुझे ये चीज़ पता है, मैं इस चीज़ पर विश्वास करती हूँ। सो आई बिलीव वी कैन, अब यहाँ पर कैन लगा, वी कैन टर्न दिस सिचुएशन अराउंड, ठीक है। सो हम क्या बदल सकते हैं, इस सिचुएशन को बदल सकते हैं। वी कैन टर्न दिस सिचुएशन अराउंड। अब जैसे मान लो आप गेम खेल रहे हो, ठीक है, गेम में अभी आप जीत रहे हो, या फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, अभी लग रहा है कि भाई पाकिस्तान जीत रहा है, ठीक, लेकिन जैसे ही एक बैट्समैन की बारी आई सो ही टर्न द गेम अराउंड, उसने गेम पूरा ही उलट दिया, ठीक है। या फिर इस ओवर के बाद अगर आप कमेंट्री सुनोगे तो वहाँ पर भी बोलते हैं कि भाई इस ओवर के बाद ना गेम पूरा ही उलट गया है, द गेम हैज़ टर्न्ड अराउंड, ठीक। तो इस ये चीज़ ने, इस पारी ने पूरा गेम बदल दिया है, उलट दिया है, मतलब टर्न अराउंड का हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक, कि बिल्कुल उलट देना किसी चीज़ को। अब यहाँ पर सेंटेंस ये है आगे बढ़कर कुछ करने का टाइम आ गया है, ठीक है, कि अब टाइम आ गया है आगे बढ़कर कुछ करने का। मैंने दिस दैट और इट के ऊपर वीडियो बनाई थी, वहाँ पर मैंने क्लियरली बता दिया था कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर कोई पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात होती है वहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं, ठीक है, इट्स टाइम। अब ये टाइम है, सो वॉज का मतलब पास्ट की बात करेंगे तो वॉज का यूज़ होगा, इट वॉज टाइम, कि भाई टाइम आ चुका था, टाइम आ गया था, टाइम हैज़ कम, या फिर टाइम हैड कम, लेकिन वो टाइम था, इट वॉज अ टाइम। और अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं टाइम है, इट्स टाइम, कि अब वो टाइम है, इट्स टाइम टू स्टेप अप, आगे बढ़ना। स्टेप अप का मतलब होता है पहला कदम बढ़ाना, कहीं की मतलब किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ना, ठीक है, कि मैं अगर सोच रहा हूँ चलो अपना बिजनेस करता हूँ, सो लेट्स स्टेप अप। स्टेप अप मतलब चलो करते हैं शुरू, इस तरह से। सो इट्स टाइम टू स्टेप अप, तो स्टेप का मतलब होता है कदम रखना, इसी के साथ अप लगा तो वो फ्रेजल वर्ब बन गया। सो लेट्स इट्स टाइम टू स्टेप अप, आगे बढ़ना, एंड टेक एक्शन, और कोई एक्शन लेना मतलब कुछ करना। तो आगे बढ़ के कुछ करने वाला जो सेंस होता है ये इसने पूरा वो बना दिया। सो इट्स टाइम टू स्टेप अप एंड टेक एक्शन, आगे बढ़कर कुछ करने का टाइम आ गया है। हमें इस अवसर को हाथ से हम इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दे सकते। सो वी कांट अफोर्ड, ठीक है, मतलब हम इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखो ये आइल्स में चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें ना IELTS में बहुत आती है। सो वी कैन लेट दिस सिचुएशन गो, एक तो तरीका ये हो गया। और दूसरा, इसको थोड़ा सा एडवांस में लेकर जब हम जाते हैं तो हम यहाँ पर बनाएंगे कि वी कैंट अफोर्ड, हम इस चीज़ को नहीं झेल सकते। सो वी कैंट अफोर्ड टू लेट दिस अपॉर्चुनिटी स्लिप थ्रू। अब यहाँ पर जो टर्म है वो है स्लिप थ्रू, मतलब हाथ से फिसल जाना, हाथ से निकल जाना। तो ये एक एडवांस स्ट्रक्चर में सेंटेंस गया। हालांकि मैं इसको ग्रीन करना भूल गया हूँ, लेकिन अगर आप लोग सुन रहे हो तो आप इसको अपने दिमाग में खुद ही समझ जाओ कि इस चीज़ को भी यूज़ करना है। सो स्लिप थ्रू, हाथ से कोई चीज़ निकल जाना, फिसल जाना। सो वी कांट अफोर्ड टू लेट दिस अपॉर्चुनिटी स्लिप थ्रू आवर फिंगर्स। सो स्लिप थ्रू आवर फिंगर्स कि भाई मौका एकदम हाथ में आया लेकिन हाथ से फिसल गया, हाथ से निकल गया। तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्लिप थ्रू आवर फिंगर्स। ठीक। अब ये कह रहा है हम उस संपत्ति पर निर्भर थे, मतलब डिपेंड थे। अब इस चीज़ के लिए, डिपेंड वाली चीज़ के लिए एक टर्म होती है हमारे पास, बैंक ऑन। बैंक ऑन, ठीक। तो ये बैंक ऑन जो आभारी, मतलब एक निर्भर होना, किसी चीज़ पर डिपेंड होना, हम इसके लिए भी बैंक ऑन का यूज़ कर। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने सेंटेंस बनाया वी वर बैंकिंग ऑन, हम उसके ऊपर थे, हम इस पर निर्भर थे। सो वी वर बैंकिंग ऑन दैट प्रॉपर्टी, वी वर बैंकिंग एंड बैंकिंग ऑन दैट प्रॉपर्टी, हम तो उस प्रॉपर्टी पर काफ़ी निर्भर थे। ठीक, एक सेकेंड। हाँ, तो यही थी आज की वीडियोज़ के सेंटेंसेस। आई होप चीज़ें आपके लिए यूजफुल रही होंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो सो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।